एमपी के मन में मोदी, तो क्या एमपी के मन से मामा खत्म हो गए? दोनों सवाल का जवाब दे दीजिए। ये घबराहट का प्रमाण है, एक सूचक है कि मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित शाह जी घबराए हुए हैं। और मैंने आज, मेरे कुछ लोगों ने फोन किया कि वो प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहां भी प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कट सकते हैं भाजपा के। लेकिन क्या होता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस के पक्ष में लहर है। कितना ही वो लोग कर ले, अब लाडली बहना, अरे 19 साल बाद आपको बहना याद आ रही है, लाडली बहना, तब तो क्या करते रहे? लाडली बहना के पतियों के बच्चों के, वो जब बिजली के बिल की वसूली ने लोगों की कुड़की की, तब मामा जी को अपनी भांजियों पर दया नहीं आई, अपनी बहनों के जीजा जी पर दया नहीं आई, उनको जेल भेज दिया। ये फर्जी जो है ना, मैं तुम्हारा मामा, मैं तुम्हारा भैया, ये सब नाटक नौटंकी है। इन्होंने ना भाई की मदद की, ना बहना की मदद की। सर, क्या है मंदिर के दर्शन भी आपने किए हैं, क्या कुछ अभिनंदन है? आप सभी को जय महाकाल। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल की सरकार केवल 15 महीने छोड़कर किसी वर्ग के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अनुसूचित जाति जनजाति की जमीनें छीन ली, उन पर अत्याचार किए, उनके पट्टे कैंसिल कर दिए, जंगल की जमीन पर जो अधिकार था आदिवासियों का, उसको जो पट्टे मिलने थे उसमें उन्होंने अधिकांश लोगों के पट्टे कैंसिल कर दिए, व्यापारियों को लूटा, चंदा वसूली की और जीएसटी के नाम पर परेशान किया व्यापारियों को, किसानों का कर्जा माफ करने का हमने निर्णय लिया और माफ भी हुए। 27 लाख लोगों के किसानों के कर्जे माफ हुए, 1 लाख तक के, हमारा वादा 2 लाख तक का था, 2 लाख तक हम कर देते, लेकिन उसके पहले उन्होंने सरकार गिरा दी, तो किसानों के साथ भी नुकसान किया, उनका भला भी नहीं किया। आदिवासी भाइयों के, अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों के बच्चों के बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है, वो नहीं भरा, 1.5 लाख नौकरियां उनको मिल सकती थी, नहीं भरी। जो उनको छात्रवृत्ति मिलती है, आज पिछले 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं दी गई। पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण का वो पूरा नहीं कर पाए, जबकि हमने कर दिया था। कौन सा वर्ग आज उनको आशीर्वाद दे? जब लोगों को परेशान कर रहे हो, लोगों के हक छीन रहे हो, उनको आशीर्वाद देना चाहिए कि दंड देना चाहिए? इसलिए भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा फ्लॉप है, लोगों में गुस्सा है, लोग दंड देने के लिए बैठे हुए हैं। उनको काली कमाई का गुरूर है कि वे खरीद लेंगे, जो बिकने वाले से बिक गए, अब कोई बिकने वाला नहीं। सर, दो प्रश्न हमारे हैं। एक तो ये काम है, मंदिर के दर्शन भी आपने किए हैं, क्या कुछ अभिनंदन है? आप सभी को जय महाकाल। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल की सरकार केवल 15 महीने छोड़कर किसी वर्ग के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अनुसूचित जाति जनजाति की जमीनें छीन ली, उन पर अत्याचार किए, उनके पट्टे कैंसिल कर दिए, जंगल की जमीन पर जो अधिकार था आदिवासियों का, उसको जो पट्टे मिलने थे उसमें उन्होंने अधिकांश लोगों के पट्टे कैंसिल कर दिए, व्यापारियों को लूटा, चंदा वसूली की
और जीएसटी के नाम पर परेशान किया व्यापारियों को। किसानों का कर्जा माफ करने का हमने निर्णय लिया और माफ भी हुए। 27 लाख लोगों के किसानों के कर्जे माफ हुए, 1 लाख तक के। हमारा वादा 2 लाख तक का था।